हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। और ये आप ही का चैनल ट्रैक्टर शॉर्ट वीडियो में। तो गाइस, ये अपना महिंद्रा 275। तो इसमें आज हम करेंगे जो ये अपना एयर फिल्टर होता है, तो इसको साफ़ करेंगे। मतलब लिया जब से हमने साफ़ ही नहीं किया है, बस एक बार ही किया था हमने, पता नहीं कब किया था, जो इसको साफ़ करते हैं। और इसका साफ़ करने का फ़ायदा मैं भी बता देता हूँ, सही तरीका भी बताऊँगा मैं कैसे, क्या पानी से करना चाहिए या ये ऐसे, मतलब जो कपड़े वगैरह से हैं वो मारना चाहिए इसमें। तो मैं पहले इसको खोल लेता हूँ, देखो यहाँ से खुलता है, ये नट लगा हुआ है, देखो ढील रही है। बस ये देखो बहुत ही आसानी से खुल गया। अब देखो आप इसमें कितनी धूल ही धूल जमी हुई है, तो मैं इसको पहले बाहर निकाल लेता हूँ फिर दिखाता हूँ। तो गाइस देखिए, और ये इसके अंदर ये जो नोट था इसकी भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, ये आपको दिख रहा होगा, ये देखो। तो ये देखो ये नीचे अंदर जो ऑयल वगैरह है अपना, तो इसको निकाल लेता हूँ मैं। ये देखो गाइस, ये देखो, और यहाँ देखो पहले, चलो इसको भी क्लीन करते हैं, चलते हैं फिर पानी वाला। तो गाइस लेके आ गया हूँ इसको पानी के पास, और इसको धोते हैं। देखो बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, इसकी रबड़ भी, ये देखो ये रबड़ हमें थी चिपक गई इसके साथ। तो पहले इसको साफ़ कर लेते हैं फिर बताते हैं आपको। तो गाइस मैंने इसको धो लिया बिल्कुल अच्छी तरह से, और ये बिल्कुल भी मिट्टी नहीं है, आप देख सकते हो। अब इसको फिट करते हैं फिर दिखाते हैं। तो गाइस हो गया, ये भी क्लीन कर दिया है, और ये रबड़ ये देखिए बिल्कुल बढ़िया तरीके से। अब फिट करता हूँ फिर दिखाता हूँ। तो गाइस बिल्कुल अच्छी तरह से फिट कर दिया है, बिल्कुल भी नहीं हिल रहा, और पहले तो ये नोट भी नहीं दिख रहा था, अब देखो बिल्कुल बढ़िया तरीके से दिख रहा है। तो गाइस मैं बताऊँगा इसको साफ़ करने का रीज़न, मतलब जो अपना ट्रैक्टर है उसको मतलब अच्छी तरीके से रेस मिलना, और मतलब पूरी पूरी पावर मिलना है, तो ये इसकी वजह से। अब ये गंदा रहेगा तो इसको जो रेस भी पूरी अच्छी तरह से नहीं मिलेगा। जब भी आप सर्विस कराओ ट्रैक्टर की, तो एयर फिल्टर जो भी होते हैं अपना है, ये जो फिल्टर है ये अच्छी तरह से साफ़ कराओ। जो ट्रैक्टर वाले हैं, जो किसान भाई हैं, वो तो उनको तो पता ही है इसके बारे में। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें।